हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी फ्लिपकार्ट का सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट में जो भी हम सर्च करते हैं उसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे हैं और यहाँ पे हमें जो है सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में कुछ भी आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे सारा जो सर्च हिस्ट्री होता है वो इधर दिखाई देने लगता है। तो इसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसे हम कैसे यहाँ से हटा सकते हैं? इसे हटाने का यहाँ पे दो तरीका है। सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ पे जो भी सर्च आपने किया हुआ है यहाँ पे आप इसे एक तरीके से हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे 6 सर्च हैं यहाँ पे जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, तो आप कुछ यहाँ पे ऐसा सर्च कर सकते हैं जो आप बिल्कुल दिखाना चाहते हैं ऊपर में, कुछ भी यहाँ पे दूसरा चीज यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर देते हैं, बैक आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में ये सर्च में आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नीचे के साइड में जो एक था वो यहाँ से हट चुका है। तो यहाँ पे ऐसे ही हम कुछ भी यहाँ पे सर्च कर देते हैं, 5-6 सर्च आपको इस तरह से कर देना है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे हम 6-7 सर्च कर देते हैं। कुछ भी यहाँ पे अलग अलग सर्च करना है जो आप जो है वहां से हटाना चाहते हैं वो अपने आप ही नीचे से हटते जाएगा। अब देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे सर्च कर दिया है, ये बिल्कुल मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे वाला जितने भी सर्च हैं वो आप अपने आप ही हटते जाएंगे नीचे से। चलिए 2 सर्च और कर देते हैं। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पुराने सर्च थे वो यहाँ से रिप्लेस हो चुका है, मतलब वो जो है हट चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से बिल्कुल ही सर्च हिस्ट्री हटा दें, यहाँ पे कोई भी सर्च हिस्ट्री रहे ही नहीं, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि फ्लिपकार्ट में कोई भी ऐसा डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे हटा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ से कुछ भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं और आपका जो पुराना सर्च होगा वो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ से बिल्कुल ही सर्च हिस्ट्री को हटाना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से फ्लिपकार्ट से आपको बैक आना पड़ेगा एंड अब यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट पे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है एंड एप्स इन्फो में जाना है, एप्स सेटिंग पे जाना है। देन अब यहाँ पे स्टोरेज यूजेज पे जाना है, उसके बाद क्लियर डाटा आपको करना है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि ऊपर में आपको क्लियर डाटा ऑप्शन मिला है, यहाँ पे क्लिक करना है, ओके करना है और आपके फ्लिपकार्ट का जो डाटा है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे बस आपको करना क्या होगा, अपने अकाउंट को वापस से लॉगिन कर लेना होगा। बस फ्लिपकार्ट को वापस से हम ओपन करेंगे और हमारा जो अकाउंट है उसे हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। बस यहाँ पे आपको नंबर डालना है, OTP आएगा और लॉगिन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, चलिए यहाँ पे फटाफट से हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो हमने लॉगिन कर लिया है। अब वापस से हम सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सर्च यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के मैंने डाटा क्लियर कर दिया है, तो साथ ही साथ सर्च हिस्ट्री भी डिलीट हो गया है सारा का सारा। तो इस तरह से आप जो है फ्लिपकार्ट के सारे सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं।